हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग? तो आप लोग उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। और आज मैं लखनऊ चिड़ियाघर जा रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या है, और सारस को भी जाके देखते हैं। तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहिएगा, जैसे भी होगा हम दिखाते हैं। तैयार हो गए हैं, ये देखिए अब निकलने वाले हैं यहाँ से, लखनऊ चिड़ियाघर जा रहे हैं। वीडियो में आगे बने रहिएगा, दिखाते हैं। तो जैसा कि मैं पार्किंग में पहुँच चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, चिड़ियाघर की पार्किंग में पहुँच चुका हूँ। और अभी चल के देखते हैं अंदर। ये मास्क है मेरा, इसको लगा के जाऊँगा मैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, नहीं भीड़ लग जाती है लोगों की। तो मैं ये मास्क लगा के जाऊंगा ताकि कोई पहचाने ना, और आके जा अंदर जाके फिर वीडियो शूट करता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे है आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, अभी कुछ लोग आ रहे, दोस्त हमारे, वो आ जाएं तो अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं ऐसे क्या होता है। देखिए भाई, आरिफ भाई यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे पहचान ले रहे हैं, ये मास्क पहन कर आए थे आरिफ भाई, कि हमको कोई पहचान ना पाए। घूमने के लिए आए थे लखनऊ चिड़ियाघर में, लेकिन देखो सभी लोग इनको पहचान ले रहे हैं। आरिफ भाई देखो घूम रहे हैं। चलो आरिफ भाई आगे बढ़ते हैं। यह है कि ना, जैसे गेट पे आए तो वह सभी लोग इनको पहचान लिए, मास्क लगाए कि हमको कोई पहचान नहीं। छोटे छोटे बच्चे देखो आवाज़ दे रहे हैं दूर से ही, आरिफ भाई आरिफ भाई, मतलब काफ़ी फैन लोग हैं इनके यहाँ पर। ये चिड़ियाघर के अंदर ट्रेन होता है, इसी में पूरा बैठा के चारों तरफ घुमा देते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जब पैदल नहीं चल पाते हैं, तो इसी के अंदर वो अपना वो घुमा देते हैं। काफ़ी अच्छी ट्रेन है। अभी यहीं पर ये भाई हैं, एक लोग और मिल गए हैं। देखो आरिफ भाई का इंटरव्यू सेशन हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोग आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब लोग यहाँ पर चिड़ियाघर में आए, छोटे छोटे बच्चे बहुत दूर से आवाज़ दे रहे हैं आरिफ भाई आरिफ भाई, बल्कि अपना मुँह में मास्क वास्क पहने हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग इनको पहचान ले रहे हैं। देखो सारे लोग इन्हीं की तरफ देख रहे हैं, सारे लोग इन्हीं की तरफ देख रहे हैं। देखो सब मतलब कि चुपके से आए कि हमको बोला है वीडियो नहीं बनाना, मास्क पहन के घूम लिया जा रहा है, नहीं बहुत लोग घेर लेंगे। कैमरा वैमरा मैंने अंदर रख लिया, लेकिन सब लोग चले आ रहे हैं। देखो आरिफ भाई देखो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, ये और मास्क पहने हैं पूरा, कि मतलब कि कोविड का भी वो फॉलो कर रहे हैं, और कोई पहचान भी ना पाए, नहीं भीड़ लग जाएगी तुरंत। लेकिन लोग इधर देखो खड़े हो गए हैं, ये देखो सब देखने के लिए खड़े हो गए हैं। लखनऊ चिड़ियाघर घूमने के लिए आए हो जी? ये क्या आरिफ भाई जानते हो क्या, कहाँ के रहने वाले हो? रायबरेली। रायबरेली में कहाँ के रहने वाले, किस तहसील, कौन सा है? बड़ा घुसियाना। अच्छा अच्छा, कौन सा बताया तहसील? बड़ा घुसियाना। अरे यार बड़ी, अच्छा मलिक मऊ रोड के रहने वाले सब। आरिफ भाई से फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो गए क्या? जी जी। चलो खिंचवा लो, लेकिन थोड़ा इंटरव्यू सेशन हो जाए तो। एक मिनट, यहाँ से आपको बाहर जाने के लिए बोले कि जैसे कोई जान जाए तो कहीं के बाहर जाइए नहीं? और मैं यूट्यूबर पंकज गाँव वाला आरिफ भाई के साथ ही रहता हूँ, हमारे गाँव बगल हैं। तो कानपुर चिड़ियाघर में अभी आरिफ भाई का सारस पक्षी रखा गया है, वहाँ पर अभी ये जा नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि इनके जब तक गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, जब तक इनको परमिशन नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं जा सकते हैं। परमिशन के लिए इन्होंने बात की है, परमिशन मिल जाती है तो जो सारस पक्षी इनका, उनसे मिलने के लिए फिर जाएंगे। फिलहाल जो सारस पक्षी आरिफ भाई का, उसका डीएनए टेस्ट किया गया है, वो डीएनए में फीमेल निकल रहा है। कानपुर चिड़ियाघर वाले ऐसा बता रहे हैं, उसके लिए मेल जोड़ा खोजा जा रहा है। कैसा क्या होगा वहाँ पर जाएंगे, अभी आरिफ भाई जाएंगे वहाँ पर मिलने के लिए कानपुर चिड़ियाघर में, लेकिन अभी जब तक उनको उधर से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं जा सकते हैं। और अभी इधर आए थे घूमने रहने के लिए लखनऊ का चिड़ियाघर, अभी अंदर भी चलेंगे। फिलहाल थोड़ा इंटरव्यू सेशन हो रहा है, एक तरह से आरिफ भाई का मीटअप हो जा रहा है छोटा सा। देखो यहाँ पर आए बहुत सारे लोग फोटो खिंचाने के लिए, मतलब चले आ रहे हैं थोड़ा। चलो अच्छा चलते, सब पीछे चलते हैं, फोटो खींच रहा है फोटो से। चलो आरिफ भाई आगे चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं मास्क पहने हैं ताकि कोई पहचाने ना हमको, जिससे कोई असुविधा ना हो। और वीडियो में आगे बने रहिएगा, कैसे कौन सी चिड़िया कहाँ पर रखी है आप चल के दिखाते हैं, सारा भी ढूंढते हैं यहीं पर। देखो भाई आरिफ भाई पहने हुए मास्क पहने, कोई पहचान नहीं, क्योंकि मास्क पहने उसके बाद लोग घेर ले रहे हैं, तो मीटअप हो जा रहा है, मतलब कि कोई उनको पहचाने ना। फिलहाल चल रहे हैं आगे, घूमते हैं यहाँ पर। ये चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन, नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान, जो कि लखनऊ के नाम में यही है, वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान चिड़ियाघर का नाम है। इस वाले पार्ट में जो है ना, पूरा हिरन और ये सब लोग हैं। देखो हिरन है, कौवा है, पशु पक्षी हैं इधर। अभी चल रहे हैं, अभी
इसको थोड़ा इसमें यह है ना पूरा हिरन और बारह सिंघा इस वाले पोर्शन में है। ज़्यादा जूम करके दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरा अलाउ करते हैं नहीं। अगर आप कभी घूमने के लिए चिड़ियाघर आएँ तो कैमरा बिल्कुल नहीं अलाउ करते हैं। अगर आप DSLR लेके आएंगे तो उसका अलग से आपको पेमेंट कटाना पड़ेगा। ये देखो छोटे छोटे, ये देखिए भाई चीतल, ये हिरन, हिरन टाइप है ना भाई, ये क्या है, ये हॉक डियर है, ये सब हिरन है। देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्यों अरे भाई जी अच्छा है, तो वैसे आपको तो वैसे भी पशु पक्षियों से काफ़ी प्रेम है। चलो आप चलते हैं आगे, चलते हैं, है काफ़ी बड़ा। देखो हाँ देखो ये है चिड़िया। अरे भाई ये कौन सा बतख है? ये वक है शायद। हाँ काला वाला ना, काला वाला। हाँ हाँ देखो ये अकेला सा खड़ा हुआ है, ऊपर तो जाल नहीं लगा शायद। कुछ नहीं लगा आज़ाद है बिल्कुल, आज़ाद खाने के लिए रख दिए हैं। इसी में साथ देखो वो हिरन भी है, साथ में हिरन। अच्छा ये जो पीछे से हम सब आप आ रहे हैं तो उससे ये ज़्यादा अच्छा, इसमें कुछ घास भी है। जी 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 ये चीज़ें हैं इसमें, और पीछे वाले में तो बहुत ज़्यादा सूखा था। ये सतर मुर्ग है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, और जो मेरे पास सारस था वो विश्व का सबसे बड़ा तो नहीं पर विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था। हाँ ये सतर मुर्ग आप देख सकते हैं। दोपहर में थोड़ा लाइट का इशू हो सकता है, यहाँ पर है गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी भी यहाँ चलाया गया है हमारे। अरे भाई जानते हो इस समय ऑस्ट्रेलिया में ठंडी है, और सतर मुर्ग ऑस्ट्रेलियन पक्षी होता है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी तो ये होता ही है, लेकिन उड़ने वाला जैसे आपने बताया सारस ही होता है। अरे भाई यहाँ पर आए देखो, बहुत बड़ा बड़ा पक्षी यार, हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा पक्षी। अरे भाई कौन सा पक्षी है यार, ये हिमालयन गिद्ध है। ये हिमालयन गिद्ध इतना बड़ा बड़ा होता है जो हरियाणा में है एक लड़के के पास। हाँ हाँ जो चोटिल हुआ, जटायु उसका नाम रखा हुआ है, उसको चोट लगी थी तो उसको मिला था। हाँ हाँ तो उसने इलाज किया, वो भी उसके साथ रहने लगा है। हाँ और ये वही है, तो बहुत छोटे छोटे हैं, उसका काफी बड़ा भी है शायद, देखने में ऐसा लगता है। अच्छा ये बहुत बड़ा होता है ना। जी 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 इसका वेट ज्यादा होता है लगता है। जी 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 उड़ लेते हैं, नहीं उड़ते हैं, ये उड़ते हैं। अरे भालू भालू क्या है भाई, भालू देखो ये गर्मी है, हाँ भरा ये देखो भालू आ रहा है, इधर आ रहा है देखो। अब हमें लगता है नहीं भाई साहब के लिए आ रहा भाई के लिए नहीं अच्छा लोग पीने के रहे, लेकिन एक गलत चीज़ है सोशल मीडिया पर वीडियो चला सकते हैं। खाने पीने के लिए ना दो भाई आप अरे ना खाने पीने की चीज़ें कोई ना दे, क्योंकि इसमें 11,000 रुपये जुर्माना है। कौन है बेटा ये काम मत करो, आप तो दे रहे हैं दया के चक्कर में, लेकिन नियम कानून दया नहीं देखता, नियम कानून दया इंसान नहीं देखता। उसके भुक्तभोगी हमारे दो तारीख भाई हो चुके हैं। हाँ ये चीज़ है, तो पक्षियों को यह है कि चिड़ियाघर में आओ तो देखो। क्यों भाई हाँ कुछ बता दो लोगों को। हाँ बाल संरक्षण माह अभी धूप है इसलिए अंदर घूम तो वो अरे नहीं देखे वो घूम रहा है अंदर जा रहा है यार, तो अभी पतला तो हो गया। हाँ बहुत पतला है, देखो शेर घूम रहा है, ये काफ़ी बूढ़ा हो गया है, काफ़ी एज हमें लग रहा है इसकी एज ज़्यादा हो गई। गर्मी में सब बेचारे परेशान हैं, लेकिन एक चीज़ है मैंने कानपुर और लखनऊ चिड़ियाघर में ये देखा है कि लखनऊ के चिड़ियाघर में सारी चीज़ें आपको आसानी से देखने को मिल जाती हैं। उसमें ज़्यादा बड़ा भी है क्योंकि वो मतलब इंडिया चिड़ियाघर दूर दूर भी रहता है, लोग मिलते हैं। बंदा देख रहे हैं कि भाई अब चल रहे हैं, मजा आ रही है।